हाय गाइस, मैं हूं गौरव मंडाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ देश ऑनलाइन। अब सैनिटाइजर को बिना छुए साफ होंगे हाथ, भारतीय छात्र ने बनाया रोबोट सैनिटाइजर। जी हां दोस्तों, दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस से बचने के लिए दुनिया भर के डॉक्टर और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कुछ अंतराल के बाद लगातार हाथ धोने की सलाह दे रहे हैं। इसके लिए ऐसे सैनिटाइज़र के इस्तेमाल की सलाह भी दी जा रही है जिसमें 60-70% से अधिक अल्कोहल हो। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल बार बार सैनिटाइज़र को हाथ से छूना है। ऐसी जगह जहाँ पर कई लोग हो और एक ही सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जा रहा हो, वहाँ पर ये करना फ़ायदेमंद नहीं है। जी हाँ, इसको ध्यान में रखते हुए यूई के एक भारतीय छात्र ने एक ऐसे सैनिटाइज़र का ऐसा डिज़ाइन किया है। इस तरीके से उसने सैनिटाइज़र को बनाया जिसे छुए बिना ही आपके हाथ सैनिटाइज हो जाएंगे। जी हाँ, यानी कि जिसको छूने की ज़रूरत नहीं होगी और ये दूर से ही आपके हाथों को सैनिटाइज कर देगा। यूई के अखबार कॉलेज टाइम्स के मुताबिक इसको बनाने वाले छात्र का नाम सिद्ध है और उसने ये सैनिटाइज़र बनाते हुए काफ़ी चीज़ों को ध्यान में रखा था। अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये सैनिटाइज़र 0.5 सेंटीमीटर से भी कम दूरी पर मौजूद हाथ की स्थिति को पहचान कर उसे सैनिटाइज कर देता। अखबार सिद्ध के हवाले उसकी माँ ने उसको एक वीडियो दिखाई थी जिसमें लोग अपने हाथों की सफाई के लिए सैनिटाइज़र के डब्बे को बार बार छू कर अपने हाथ साफ कर रहे थे। इस वीडियो को देखने के बाद उसको ये महसूस हुआ कि बार बार डब्बे को छूने से संक्रमित होने का खतरा अधिक हो जाता है। इसके बाद ही उसके मन में ये रोबोट सैनिटाइज़र बनाने का विचार आया। उसका कहना है कि इसको बनाने के पीछे उसका मकसद लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाना है। उसके मुताबिक उसका बनाया ये रोबोट सैनिटाइज़र इसमें मदद कर सकता है और हमें भी यही दुआ करेंगे कि ये कोरोना वायरस से बचाने में दुनिया भर के लोगों में मदद करे। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारे साथ हमारा चैनल देश ऑनलाइन। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आप अपडेट रहें हमारे नई वीडियो से।